दिल्ली की भूतिया जगहों में शुमार इस पार्क का राज क्या है, यही जानने हम आ पहुंचे द्वारका सेक्टर 9। सवाल बीच में खड़े इस पेड़ के भी हंटेड होने का है। इस समय हम जहाँ बैठे हुए हैं वो दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। इसके बारे में और जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद, अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं हूँ प्रमोद। तीन बिंदुओं पर हमने यहाँ पे जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। पहली, इस मंदिर के बारे में जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर, हॉन्टेड ट्री जो है इस मंदिर के ठीक सामने है, अभी मैं आपको दिख रहा हूँ। तीसरी जो बात है इस पार्क के बारे में, अभी मैं पार्क आपको दिखाता हूँ। पार्क के बारे में कहा जाता है कि ये हॉन्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं व्यू। ये आपके सामने मंदिर है, तलाश रहे थे कि अचानक कुछ लोगों ने हमें टोक दिया। पीछे मुड़ा तो दो लोग खड़े थे, तो पहला सवाल मेरा यही था कि क्या है यहाँ की भूतिया कहानी। ये कुछ जानकारी हासिल करनी थी, अगर आप बता पाए तो। ये इसके बारे में यहाँ क्या उड़ा हुआ है, हॉन्टेड है ये? तो कुछ भी ना भाई, ये तो हमारा देवता, ग्रामीण देवता। हाँ, ये तो पूजनीय स्थल नहीं, नहीं उसके वो जो वहाँ पे आगे ये जो जगह गई हुई है रोड में, ये भी इसी का स्थान है। लोगों ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने डाल रखा है, साइडों के डाल रखे हैं, सब वैसे ही फेक बना के डाल रखी है ये, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको एक भी नहीं मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वो फेक है। बड़ी मुश्किल तो ये है। नहीं, आप बता रहे हैं, मैंने तो इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये हमारी जमीन है ये सारी। अच्छा, कोई वैसे नहीं है, जमीन हमारी। तो इस जमीन के ही हम तो यहाँ रात और दिन पानी दिया करते थे। इस पर पहले तो जंगल हाथ था या दुनिया भर का, इसमें दुनिया भर के झुंड झक्कड़ खड़े थे। उस दौरान पे हम यहाँ पानी दिया करते थे। यहाँ तो हमने आज तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, और आप जब कहो हम यहाँ पे आ जाएंगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, रात को जिस टाइम बोलो उस टाइम। बदनामी का दंश झेल रहे स्थानीय सब सच जानते हैं। वो खुद बताते हैं यहाँ पहले पार्क की जगह क्या था। तो एक दिन ये नहीं पता लगा, हम तो आए थे यहाँ के, निकल के जा रहे थे, यहाँ पे कई आदमी खड़े थे कैमरा लेके, जैसे आप भाई लेकर खड़े हो ऐसे लेके खड़े थे। कुछ वहाँ पे खड़े थे सीआरपी का, जो मैन दिल्ली पुलिस वालों का गेट है, वो बोल रहे थे यहाँ से दिन में करीबन 4:30 बजे के आसपास में एक औरत जो उस पर दिखाई दे रही होगी, उन्होंने दिन में उन्होंने करीबन 4:30 बजे के आसपास में ऐसा कुछ था टाइम, एक औरत इस साइड से परली तरफ काटी। अब उन्होंने कोई सा ब्लैक शीशा लगाया क्या, दिन में ही रात बना दी, ठीक है। और वो दिखाने के बाद कह रहा, देखो देखो ये जा रही, वो भूतनी ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये कही है, कही है, कही। सवेरे देखा न्यूज में आके, तो भाई वो फोन के ऊपर डिटेल सारी, ये तो भूतली बना दी, हम बाबा का मंदिर भी मारा। अच्छा, क्रिएट कर दी, जान बूझ के क्रिएट कर रखा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाबा का दिन हमारा बृहस्पतिवार का। ये मंदिर किसका है वैसे, कौन से बाबा? ग्रामीण देवता, ग्रामीण देवता, जो गांव बाबा बोला का ग्रामीण देवता है, ये उनका मंदिर है, दादा भाई वाला मंदिर के नाम। अब इसके बारे में है कि संतान की जमीन पे है, और जो चीजें हमें बता रहा हूँ, और यहाँ भूत था इस वजह से जो है इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने यहाँ बना दिया। लोगों ने वो भी डाल रखे भाई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था फलाना, कई चीजें वो भी डाल रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बकवास बातें हैं, सारी बकवास फेक बना रखी है, हवाई फायर है, सब ने हवाई फायर मार रखा है। आपको फिर भी कम हो गए लोग बाग, जिस टाइम वो डली थी ना, जो मैं बता रहा आपको, ये पकड़ी गई, पकड़ी ना, ये जारी, ये जारी, ये जारी, वो जो पेड़ खड़ा है ना पीछे बाबा के मंदिर के पीछे, ये पीपल के पेड़ से थोड़ा सा पीछे, वहां से दिखाई है वो, और यहाँ पे वो खड़े थे और कह रहे ये जारी, ये जारी, वो जारी, भूत भूत, ठीक है ना। बड़ा भंडार हो ना उस दिन, देखना यहाँ लोग बाग ऑटोमेटिक एक दो आदमी आपने यहाँ मिलेंगे, फिर उनको क्यों नहीं भूत छेदता, मत्था टेक रहे हैं लोग। हाँ, और उसके बारे में फैलाया हुआ है कि बनने नहीं दिया,
इस वजह से जो ये है, भाई किसी ने पता नहीं, ये ऑल मोस्टली पहले जब यहाँ कहते हैं किसी की जो पक्की जो जगह होती है कि कोई भी अगर आप अपने मकान में रह रहे हो अगर उसको कोई तोड़ेगा तो क्या आप टूटने दोगे? तो हमारी जो ये बनी हुई है ना ये बावड़ी है हमारी। अच्छा, ये यहाँ पे बावड़ी थी। अच्छा, उस टाइम पे बावड़ी थी। इसके घेराव के साथ में एक पीपल के पेड़ से पहले दो भारे भारे, एक तो टूट गया, एक अभी ऑलरेडी सूखा हुआ खड़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। वहाँ पे कुआ था नीचे, और वो कुआ क्या था, जो आपका ये पेड़ है ना, ये देखिए झुक रहा टेढ़ा, यहाँ से रैंप जाता था नीचे का थी, और भीतर कुएं के जो मतलब दोनों साइड से गहरा हो जाता नीचे पूरी पैड़ी बना के, और वहां पे ऐसे करके गेट था, तो जब भी कोई आदमी जाओ तो नीचे से अपनी बाल्टी भरी पानी की और लेके आ जाओ। यानी कोई भी पशु पक्षी मतलब कोई भी जानवर के टाइम में ऐसे होता था, कहां पानी की व्यवस्था होती थी, अपने गाय गुई लेकर। बावड़ी तो दिल्ली दिल्ली में आप मैक्सिमम बावड़ी ही देखेंगे क्योंकि ये पहाड़ी पे बसा हुआ है। हाँ, तो मैं अपने भाई को बता रहा, जैसे अपने ये गाय लेकर आया करते थे राजस्थान वगैरह से, तो उनकी गाय वो उसके अंदर जाती थी, वहीं से पानी बारी बारी पीकर अपनी ऊपर आ गई। तो यहाँ पे बावड़ी थी वो, बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी की ये श्रद्धा हो तो भाई वो वहां बैठ जाएगा, और भाई हम आके बाबा के चौतरे पे बैठ जाएंगे। पीछे से दो तीन लेडीज भी आई थी, तो बोले हम एक दिन आए थे तो हमारे साथ की बोली है कि जो लड़की है वो भी वही थी, बोली ये तो हमारे वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, बोली वही रुकी पीछे बैक साइड में। बोली नहीं नहीं, बोली जब बता रहा क्या बोला कतीस असलियत में भूत हो। यही चीज मैं गया संजय वन में, आपको बता रहा हूँ वहाँ के बारे में, वहाँ के गार्ड से इंक्वायरी की, गार्ड का बाइट ली पहले, तो गार्ड ने भी यही बताया कि साहब मैं तो यहाँ जो है 24 घंटे रहता हूँ, अगर होता तो सबसे पहले मुझे ही पकड़ता, मैंने तो देखा नहीं। अब मैं एक तो चीज ये था भाई, उस टाइम ये सुनसान रास्ता था, पहले वो रास्ता नहीं। बातचीत के दौरान इस तीसरे शख्स की एंट्री हुई जो कैमरे पे नहीं दिखना चाहते थे। ये यहाँ के बासिंदे, यहाँ कॉलोनी बनने के बाद बने हैं, लेकिन पहले से हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, इन लोगों के पुरखे यहीं पे जन्मे और यहीं पर उनका निधन हुआ, ये वो सारा सच बताते हैं जो आपको चौंका देगा। खाने की वजह से भाई इस रास्ते पे कोई आए नहीं, और जो गलत तुम अपना कार्य करते हो। अच्छा, ये चीज मैंने भी, मुझे एक दिन दो दिन पहले आया था, पुलिस वालों से मिला, पुलिस वालों ने कहा सर यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज है रात में, वो देखो बोतल पड़ी है, टीचर ठीक है, ये चीज मुझे बताई। दारू पीने वाला एक्टिविटीज है यहाँ पर, अब वही जो है किसी को देख हु से कर देंगे तो सामने वाला तो कहेगा भाई साहब भूत बोल रहा था भाई यहाँ पे, इसलिए कर रहे हैं आप आए नहीं। एक गलत सनसनी किस तरीके से सब कुछ भूत बना देती है वो आपके सामने। मेरे को क्या मुझे मत दिखाइए, मेरे को मत दिखाइए, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। आप तो मैं जैसे यहाँ से जाता हूँ ना, वैसे मैं यहाँ से भी जा सकते हैं, इस रोड से जो सामने कापासीडा की बॉर्डर तक जो जाते हैं ना, मैं यहाँ से जाता हूँ 7 बजे तक 7:30 बजे तक, तो ये इसमें कुछ नहीं होता। मैंने तो हाँ मैंने पर तीन पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे देखा था कि 3 लड़के यहाँ से जा रहे थे, वो यहाँ पे थे, वहाँ से वो वापस आ रहे थे, तो मैं इधर से जा रहा था ना, तो उनको लगा कोई भूत है, तो बोले भाई तुमने डरा दिया। तो वो 3 बच्चे यहाँ पे रात को आते हैं, यहाँ पे 3,000 रुपए की वो टीचर्स की बोतल आती है, वो पड़ी हुई। और जबकि कल यहाँ पे हमारे एलजी का दौरा था, यहाँ पे कल का एलजी का दौरा था, उस टाइम पे सारा पार्क इतना चकाचक करवा के गए थे पार्क वाले, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा था ना ये पन्नी, वो पन्नी पड़ी थी। अब पेड़ की कहानी पर सवाल किया तो क्या जवाब मिला वो भी सुन लीजिए। मधु विहार के पीछे ना सेक्टर 1 के पीछे डीजे फ्लैट है, तो हम जब छोटे थे, जब 17-18 साल के थे, तब इधर आते थे, तो पुलिस रात को 9 बजे के बाद ही बैरिकेडिंग हो जाती थी।